फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। अपन डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जिसके अक्सर 14 सी अपन कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 डी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी फर्स्ट हेडिंग है अर्थमेटिक मीन। तो देखिए अर्थमेटिक मीन क्या होता है। जैसे लेट कुछ टर्म मान लेता हूं मैं कि लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी। ये किस में आपका एपी में है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो टर्म है वो ही क्या कहलाएगा, आपका अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। इसकी वैल्यू आएगी कितनी वो देखो। अर्थमेटिक मीन होता क्या है, यानी आपकी अर्थमेटिक एपी में बोला है तो एपी में होता क्या है, इसमें से इसको माइनस कर दो बी माइनस ए, ये किसकी इक्वल होगा, इसमें से इसके माइनस की इक्वल होगा, यानी सी माइनस का बी, ये इसकी इक्वल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एपी के अकॉर्डिंग। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, तो मैं कह सकता हूं ये b और ये b इधर आएगा तो प्लस का b इक्वल टू c, यानी a प्लस में c। इसी को मैं लिख सकता हूं 2b इक्वल टू a प्लस c, और यहां से मैं b इक्वल टू लिख सकता हूं a प्लस c अपॉन में 2, ठीक है। ये आपकी ap के अंदर अर्थमेटिक मेन आ जाएगा। आपकी बुक के अंदर ये लिया हुआ है कि a x और b, तब ये जो x है वो अर्थमेटिक मीन का काम करेगा। तो x की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, a प्लस बी अपॉन 2 की इक्वल आएगी, ठीक है। ये था। अब आपकी जो इंपॉर्टेंट है यूजफुल टर्म आपकी हेडिंग दी हुई है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वो क्या हेडिंग है वो देखो कि इसमें स्पेशल टाइप क्वेश्चन है वो किस बेस पे आएंगे उसमें अपन डिस्कस करते हैं। देखो आपको मान लीजिए कि क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है कि फर्स्ट के अंदर कि थ्री टर्म का सम ये है और थ्री टर्म का प्रोडक्ट ये है, तब लेट करके वो जो टर्म आपको मानना पड़ेगा वो केस क्या मानेंगे अपन, ए। इसकी नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी आएगी, इसी में कॉमन डिफरेंशिएट कर दो तो ए प्लस का डी। इससे पहले वाली टर्म कौन सी आएगी, इसी में आप डी को माइनस कर दो, ये आ जाएगा। ये कितनी टर्म आपकी, थ्री टर्म है, ठीक है ना, थ्री टर्म। अब सेकंड कंडीशन के अंदर यदि आपको फोर टर्म लेट करना है तो आपकी जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म में ए प्लस डी ले लेता हूं, इसके नेक्स्ट वाली के अंदर क्या करेंगे अपन, ए प्लस का थ्री डी, ये लेट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना, टू डी को एड करना पड़ेगा। अब इसमें से माइनस कर दो तो माइनस करेंगे तो a माइनस का d, क्या आएगा, a माइनस का d कर दिया, उसके बाद 2d कर दो तो आपकी वैल्यू आएगी a माइनस का 3d, ये वैल्यू, ये आपकी किसी ap की फर्स्ट यानी फोर टर्म आ जाएगी। लेट करना पड़ेगा तो ये करना क्योंकि जो कटने वाली वैल्यू कट जाएगी, देखो ये इनको मैं ऐड कर दूं तो d d कैंसिल आउट, 3d और 3d कैंसिल आउट, ठीक है ना। क्यों, किसी टर्म किसी ap की आप टर्म मानोगे a1 a2 A3, A4, तो इनमें से वैल्यू कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। तो आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई टर्म का सम या प्रोडक्ट दिया हुआ तो आपको ऐसे ही मानना है। ये वैसे 10 में डिस्कस करके आए हैं अपन, ठीक है, करते हैं डिस्कस। फाइव टर्म की बात करूं तो फाइव टर्म देखो, किसी एपी की फाइव टर्म, मान लीजिए फर्स्ट टर्म है, इसके नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी, डी प्लस कर दो, इससे नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी हो गई, d माइनस कर दो तो प्लस कर दो, तो इसमें d ऐड किया तो ये है, और इसमें से d को माइनस क्यों करें तो कितना है, a माइनस का d, इससे पहले वाले टर्म a माइनस 2d, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, फाइव टर्म तो काफी है। फिर उसके बाद में आपकी जो वैल्यू है वो आपको गिवन है इसमें यूजफुल टर्म के अंदर, यूजफुल रिजल्ट के अंदर, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आपकी जो फर्स्ट है वो गिवन है कि लेट a कॉमा a प्लस डी प्लस कॉमा a प्लस 2d बाय इन ap, यानी a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d वो क्या आपकी ap में है, ठीक है। तो आप उसमें a को ऐड कर सकते हो किसी कांस्टेंट वैल्यू k को ले ना, आपकी बुक के अकॉर्डिंग लेते हैं अपन, तो इसको मैं रब कर देता हूं, देखो
यानी क्या गिवन आपको, यूजफुल रिजल्ट, ये आपके काम आएगा। देखो फर्स्ट के अंदर ये बोला है, पहले तो लेट करके कर लो इसमें कि लेट ए कॉमा ए प्लस बी कॉमा ए प्लस टू डी, ये किसमें है, एपी के अंदर है। तो आपकी फर्स्ट में क्या है, यदि इस पूरी एपी के अंदर हर टर्म के अंदर मैं के को ऐड कर दूं, तो के को आप ऐड करोगे तो ए प्लस के आएगा, इसमें भी ऐड कर दूं तो ए प्लस बी प्लस के आएगा, इसमें भी आप ऐड कर दो तो ए प्लस टू डी प्लस में के आएगा, ऐसे ये चलता जाएगा। तो इसमें ऐड करने के बाद में जो आपकी एपी मिली है, इस एपी की फर्स्ट टर्म ए कितना होगा, ए प्लस के होगी, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो डी आएगा, ठीक है। यदि मैं इसमें से माइनस कर दूं, तो माइनस करेंगे के को तो के माइनस ए माइनस के कॉमा ए प्लस डी माइनस के कॉमा ए प्लस डी माइनस के, ऐसे अपन करते जाएंगे और आपकी वैल्यू आएगी। अब मान लीजिए किसी इस एपी के अंदर मैंने कांस्टेंट वैल्यू के को माइनस कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी होगी, ए माइनस के होगी, कॉमन डिफरेंस कितना होगा आपका, डी होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, आप देखो इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो डी आ जाएगा। फिर थर्ड के अंदर आपकी कि मैं इस ए को मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, हर टर्म के साथ में ए को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तब आपकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यानी क्या करना है, मुझे इस के को हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे होगा और के इंटू ए प्लस टू डी ये चलता जाएगा। उस कंडीशन में आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो तो के ए हो गई, इसमें कॉमन डिफरेंस देखो, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो कैंसिल आउट, बची हुई वैल्यू कौन सी आएगी आपकी, के डी आ जाएगी, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या आएगा, इसका के डी आ जाएगा, ठीक है ना, मैंने कॉमन डिफरेंस डी ये काटा नहीं, आप समझ जाना इस चीज को। फिर फोर्थ वाली टर्म है, यदि मैं इसकी हर टर्म को माइनस कर दूं, ठीक है ना, इसमें माइनस माइनस डिवाइड कर दूं, तो ए को मैं के से डिवाइड कर दूं और ए प्लस डी को मैं के से डिवाइड कर दूं, ए प्लस टू डी को मैं के से डिवाइड कर दूं, तो आपकी वैल्यू फर्स्ट टर्म ए कितना आएगा, ए अपॉन के आएगा, और डी कितना आएगा, देखो इसमें से मैं इसको डिवाइड कर दूं, इसमें से इसको मैं डिवाइड कर दूं, तब देखो यहां पे फाइंड आउट करता हूं, डिवाइड नहीं माइनस करना है, तो ए प्लस डी अपॉन के माइनस का ए अपॉन में के, इसको आप अलग अलग करो लिखोगे तो ए अपॉन के प्लस डी अपॉन के माइनस का ए अपॉन में डी, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू क्या आएगी आपकी, डी अपॉन के, तो ये आपका इस एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये है आपकी रिजल्ट है, अपन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के अंदर, अपन करेंगे तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। करते हैं डिस्कस, एग्जांपल आप सोल्व करना और क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन आपको कि फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 12, 5 एंड 22, इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपको मेन फाइंड आउट करना है, किसकी सिचुएशन में, ठीक, मैं डायरेक्टली फाइंड आउट कर देता हूं। देखो मेन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एएम से, कैसे, एएम से, ठीक है, जो वैल्यू दी हुई है, देखो मेन ये तो होता है आपका कि मान लीजिए आपको ए और बी का मेन फाइंड आउट करना है, अरिथमेटिक मेन फाइंड आउट करना है, तो इसका अरिथमेटिक मेन किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी अपॉन में टू के इक्वल होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब जो वैल्यू आपको फर्स्ट दी हुई है, जैसे सपोज कि यहाँ पे 6 और 12 दिया हुआ, ये वैल्यू दी हुई है आपको 6 और 12, तो ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी, दोनों को ऐड कर दीजिए और दोनों को ऐड करके 2 से आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आपकी 9 आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ गई आपकी,
नाइन, 18 को 2 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा। सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड के अंदर जो वैल्यू आपको 5 और 22 गिवन है, तो मैं अरिथमेटिक मीन इसका फाइंड आउट करूं तो वैल्यू आएगी 5 प्लस 22 अपॉन में 2, और इसी को मैं लिख सकता हूं 27 अपॉन में ये, और ये वैल्यू हो गई 13.5। फिर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में आपको देखो वैल्यू गिवन है, तो मैं एएम की वैल्यू फाइंड आउट करूं अरिथमेटिक मीन। इसमें जो ए की वैल्यू है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और बी की वैल्यू कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो ए की वैल्यू कितनी है कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों को एड करना है तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में किसकी वैल्यू, तो ये ए की वैल्यू हो गई, ये बी की वैल्यू हो गई, और ये टू से डिवाइड हो गए, ठीक है ना। अब मैं इसको ओपन करूं तो आपकी वैल्यू आएगी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और फिर वैल्यू आएगी माइनस का 2 इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, अपॉन में जो वैल्यू आपकी आएगी वो 2 आ जाएगी, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है तो आपस में कैंसिल आउट हो गई, कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी 1, और यहां पे भी 1 यहां पे, ठीक है 1 और 1 1 प्लस 1 कितना आपका 2, 2 अपॉन 2 कितना आपका 1, तो इस पूरे का अरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। करते हैं अपन फोर्थ की बात, तो फोर्थ के अंदर अरिथमेटिक मीन देखो क्या है, मीन फाइंड आउट किसका करना है आपको, x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड x माइनस वाई का स्क्वायर, दोनों को एड कर दीजिए, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा 2। इसको मैं ओपन करूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू xy प्लस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू xy अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना 2x2, फिर प्लस का 2y2 अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, इस 2 को मैं कॉमन निकाल दूं तो ये वैल्यू आएगी, और इस 2 को मैं इससे कैंसिल आउट कर दूं तो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई x2 प्लस y2, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है। करते हैं डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, अगले ने बोला है कि फर्स्ट के अंदर की 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 5 और 15, यानी 5 और 15 इज 17, इनके बीच में 3 अरिथमेटिक मीन है आपको इंसर्ट करने, तो फर्स्ट को मैं A1 मान लेता हूँ, इसके अंदर टर्म इंसर्ट करनी है तो मीन ही हो, और फिर सेकंड को मैं A2 मान लेता हूँ, और ये आपका A3, आपकी बुक के अकॉर्डिंग आप T1 T2 T3 आप मान सकते हो, 3 बोला है तो इनकी वैल्यू क्या होगी, ये T1 A1 कितना होगा, A2 कितना होगा, A3 कितना होगा, तो देखो ध्यान से देखना, फर्स्ट यानी ये AP बन जाएगी, और ये AP है तो ये फर्स्ट वैल्यू ही आपकी क्या है, फर्स्ट टर्म है, A की वैल्यू कितनी है 5 है, यहां पे ये क्या है लास्ट टर्म है 1 2 3 4 5, ये कौन सी टर्म आपकी A5 है, A1 की वैल्यू ये हो गई और A5 की वैल्यू आपकी 17 हो गई। यदि मैं यहां से वैल्यू फाइंड आउट करूं तो आपकी वैल्यू आएगी A+4D = 17, A की वैल्यू में यहां पे ये पुट कर दूं तो A की वैल्यू कितनी है 5+4D = 17, तो 4D की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, यहां से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, D की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। यदि आप किसी भी AP की फर्स्ट टर्म आ जाए और कॉमन डिफरेंस आ जाए तो आप किसी भी टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो, तो देखो फर्स्ट के अंदर आपको क्या फाइंड आउट करना है, A2 को फाइंड आउट करना है, A1 को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है ये A1 यहां पे,
तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग जो ए वन होगा, इसको मैं इसे हटा देता हूं, देखो ठीक है, ए वन यहां पे क्या आएगा, ए प्लस का डी आएगा, ठीक है, यहां पे एक ए वन ये आएगा। उसके बाद में इसकी वैल्यू में पुट करूं तो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 हो गया। ए टू की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस 2d आएगी, ए की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू 3 कितना 6 इक्वल टू 11, ए थ्री की वैल्यू आएगी ए प्लस 3d इक्वल टू 5 प्लस कितना 9, और ये वैल्यू आ गई 14, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं। करते हैं इसका सेकंड के बारे में डिस्कस। तो सेकंड में देखो, सेकंड में आपको ये गिवन है कि 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 17 और यानी 17 और 52 के बीच में 4 अरिथमेटिक मीन है। तो उन अरिथमेटिक मीन को मैं A1 कह देता हूं और ये वैल्यू आपकी A2 हो गई, A3 हो गई, A4 आ गई, इसी की तरह से होंगी। तो ये मैं कह सकता हूं इसमें, ठीक है, तो ध्यान से देखो इसको, ये तो आपकी फर्स्ट टर्म हो गई A कितना 17, ये आपकी कौन सी टर्म है, लास्ट वाली टर्म है, लेकिन इसमें टोटल टर्म कितनी है 6, तो लास्ट वाली टर्म कितनी हो गई A6, तो A6 की वैल्यू कितनी है 52 है। और इस A6 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 5D इक्वल टू में 52, A की वैल्यू कितनी है 17 है, A की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 5D इक्वल टू 52, यहां से 5D की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो 17 52 में से 17 को माइनस कर दो तो डी की वैल्यू आ जाएगी, देखो इसमें से इसको मैं माइनस करूं तो ये 5 हो गया और ये आ जाएगी वैल्यू 5 माइनस 2 3 आ गई, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, अपॉन में भी आएगा ना 5, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ जाएगी, ठीक है। आपको A1 फाइंड आउट करना है, A1 इसकी सेकेंड टर्म है, A1 कौन सी टर्म आपकी सेकेंड टर्म है, तो इस सेकेंड टर्म देखो A1 इसकी सेकेंड टर्म है, या फिर आप ऐसे कर लो, देखो ये A1 ले लो, ये कैपिटल A2 ले लो और ये कैपिटल A3, इसमें भी कर लेना एक ही बात है वैसे, तो ये तो वैल्यू हो गई आपकी A1, देखो ये A1 है और कैपिटल A1 की वैल्यू किसकी इक्वल है A2 की वैल्यू, A2 की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है, वैल्यू पुट कर दीजिए, A की वैल्यू कितनी है 17 और इसकी वैल्यू D की 7, दोनों को एड करोगे तो वैल्यू आ गई 24। फिर A2 को मुझे फाइंड आउट करना है तो A2 ये A4 कर दो, A2 की वैल्यू A3, A3 को क्या लिख सकता हूँ A प्लस 2D लिख सकता हूँ, तो A की वैल्यू 17 और D 2 इंटू 7 कितना 14, दोनों को आप एड करोगे तो वैल्यू आ गई 31। ऐसे में A3 की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो A3 यानी A4 स्मॉल A4 और ये वैल्यू आएगी A प्लस 3D, A की वैल्यू 17, 3 इंटू 7 कितना 21, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 38। उसके बाद में A4 की बात करूं तो A5 आ जाएगा, है ना, कैपिटल A4 ये निकालना है तो ये कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म है, और फिफ्थ टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस 4D लिख सकता हूं, तो 17 प्लस 2 इंटू 7 यानी 4 इंटू 7 कितना आपका 4 इंटू 7 28, दोनों को आप एड करोगे तो वैल्यू आपकी आएगी 45, ये आपकी 4 अरिथमेटिक मीन आ जाएंगे जो 17 और 52 के बीच में अपन इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप कि अरिथमेटिक किसी दो नंबर के बीच में कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड के बारे में, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको गिवन है, क्या गिवन है वो देखिए, इफ पी अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्ट ए एंड बी, देखो ये गिवन है कि ए और बी के अंदर पी टर्म आपको यहां पे इंसर्ट करनी है, पी टर्म, ठीक है, तो मैं कह देता हूं ये आपका P1 हो गई, ये आपकी वैल्यू P2 हो गई, ये वैल्यू P3 हो गई, कहां तक करना है PN तक करना है, ठीक है ना, कहां तक करना है आपको PN तक करना है, ठीक है, और फिर आपको प्रूफ करना है कि जो कॉमन डिफरेंस है D वो किसकी इक्वल आ रहा है P माइनस A अपॉन में P प्लस 1, ये आपको निकालना है, ठीक है।
ये टोटल टर्म आपकी पी है, एन ये पी तक है भैया, ठीक है, इसको मैं ए ले लेता हूँ। ये कैपिटल ए वन, ये कैपिटल ए टू, ये कैपिटल ए थ्री और ये कैपिटल आपका ए पी, इतनी टर्म इसके अंदर इंसर्ट की हुई है, तब डी की वैल्यू आपकी ये आएगी। तो देखो इसको फाइंड आउट करें, तो ध्यान से देखो ये कौन सी टर्म आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म ए वन, ए वन की वैल्यू ही ए, ए वन की वैल्यू ही क्या है आपकी ए। उसके बाद में ये कितनी टर्म है पी टर्म है, ये कितनी टर्म है पी है, और ये कितनी पी प्लस वन, फिर ये कितनी पी प्लस टू, तो टोटल टर्म एन की वैल्यू कितनी है पी प्लस वन है, ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। अब ये पी प्लस वन है तो इसमें जो एनथ टर्म है, ये जो एपी आएगी, इस एपी के अंदर जो एनथ टर्म है ए एन, ए एन का फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ए फॉर्मूला है। अब इस एपी के अंदर एनथ टर्म तो आपकी बी है और ये ए है, बट इस एन की वैल्यू कितनी है पी प्लस, ये पी प्लस टू, पी प्लस टू माइनस का वन इंटू में डी, ये तो होगा। अब इस डी की वैल्यू में मुझे फाइंड आउट करनी है, तो बी माइनस ए इक्वल टू ये वैल्यू आएगी कितना, देखो टू माइनस वन वन आ गया, इंटू में कितना डी, मुझे इस डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस डी की वैल्यू बी माइनस ए अपॉन पी प्लस वन आ जाएगा। ये ही आपको प्रूफ करके रिप्रेजेंट करना था, ऐसे अपन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर थ्री तक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही।